दोस्तों दोस्तों, आपके आपके जीवन में ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हो, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, और उस समस्या का समाधान आपको मिल ही नहीं रहा। ऐसा हो रहा है, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा विचार करते हो? तो दोस्तों, आपके जीवन में किसी भी समस्या का हल आपको नहीं मिल रहा, किसी भी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो दुखी या परेशान मत होइए, क्योंकि हर एक समस्या का हल होता है और उन हलों को ढूंढने का काम आपका होता है। दोस्तों, आपके और सबके जीवन में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, पर उनके हल भी बहुत सारे हैं। सिर्फ उन्हें ढूंढना आपका काम है, ये हमेशा याद रखना। और दोस्तों, कभी भी ये भी याद रखना कि आप जो चाहते हो वो जरूर होगा। और दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इनका श्री कृष्ण जी का कहने का मतलब ये है कि इंसान जो इंसान चाहता है उसके ही ऊपर चलता है, उसके ही ऊपर चलता है और वही करता है। पर कभी कभी भगवान ने बताए गए रास्ते पे या भगवान ने दिखाए गए कभी भी रास्ते पे नहीं चलता। सिर्फ अपनी ही चीज़ों में, अपने ही रास्ते पे चलता रहता है, कभी दूसरों की नहीं सोचता। ऐसा श्री कृष्ण जी और सभी कहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने इसके अंदर कहा, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप और हम सभी वो करते हैं जो हम चाहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जरा भगवान कहते हैं, जरा दूसरे लोग जो कहते हैं वो करो, फिर क्या होता है उसको देखो, और फिर आप जो करना है वो करो। दोस्तों, कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हर कोई दोस्तों बुरा रास्ता नहीं दिखाता। दोस्तों, ऐसे दुनिया में लोग हैं जो अच्छा रास्ता दिखाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बुरा रास्ता दिखाते हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी, पर अच्छे लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमी है दुनिया में। इसलिए अच्छे बनने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो और अच्छे बनो। दोस्तों, चाहते हैं सभी हम असफल बने, हम सफल बने। कोई नहीं चाहता कि हम असफल बने, सभी यही चाहते हैं कि हम सफल बने। पर दोस्तों, सफल बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ लोगों की छोटी ही सोच है, लोगों की हमेशा छोटी सोच रही है और छोटी ही सोच रहने वाली है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि लोग इतना ही सोचते हैं कि हमें हमें सिर्फ ये नौकरी करनी है, वो करना है और कुछ नहीं करना। लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, और इतनी छोटी उनकी सोच रहती है। हमें सिर्फ ये करना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी करनी है, और उसी नौकरी को करते हुए हमारा पूरा जीवन व्यतीत कर देना, खत्म कर देना है, और फिर हमारे उस जीवन में अगली पीढ़ी जो होगी वो भी यही करेगी, यही कार्य करेगी। वो अगली पीढ़ी भी यही, वो ऐसा सोचते हैं और वो यही नौकरी करते रहते हैं, और उनकी अगली पीढ़ी भी यही
नौकरी को या ऐसे ही कौन से कार्य को करते हुए वो भी अपना जीवन व्यतीत कर देती है, पूरा खत्म कर देती है। पर दोस्तों, कभी कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है कि हम कुछ बड़ा सोचेंगे, कौन सी बड़ी सोच रखेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे तो क्या होगा, हम हमारी बड़ी सोच रखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम क्या कर सकेंगे, हम किस बड़े मुकाम पे जा सकेंगे, ऐसा कभी सोचा है? नहीं, लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है और कुछ नहीं करना। लोगों की सोच सिर्फ यहाँ तक है। आप अपनी सोच बढ़ाओ, अपनी सोच अपनी हमेशा अपनी सोच बड़ी रखो, कभी भी अपनी सोच छोटी मत रखो। जितनी आपकी छोटी सोच रहेगी उतने छोटे काम रहेंगे, और जितने छोटे काम रहेंगे उतनी छोटी सफलता रहेगी, ये हमेशा याद रखना। और दोस्तों, कभी भी आंखें बंद करके किसी के भी ऊपर विश्वास ना रखिए तो ही अच्छा है, क्योंकि हर कोई आपको धोखा देगा ज़रूर, ये हमेशा याद रखना। हर कोई आपको धोखा देने के लिए है, हर कोई आपको धोखा देगा ज़रूर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे सिवा कोई भी सफल ना बने, कोई भी सफल ना बने, कोई भी आगे ना बढ़े, सिर्फ हम ही आगे बढ़े और हम ही सफल बने, ऐसा सभी चाहते। हमें छोड़ के कोई भी आगे ना बढ़े, कोई भी सफल ना बने, ऐसा सभी चाहते, सभी सोचते। पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि सभी लोग जो अपनों से, जो आपसे भी अमीर है, उनके बारे में सभी लोग सोचते रहते। कभी आपने सोचा है जो लोग आपसे भी गरीब है, वो कैसे रहते होंगे, वो कैसे जीते होंगे? आप सिर्फ सोचते हो, जो आपसे अमीर है उनके बारे में सोचते हुए आप दुखी होते रहते हो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप दुखी होते रहते हो। कभी ऐसा सोचा है कि जिन लोगों के पास छोटी सी छोटी और कौन सी भी चीज़ें नहीं है, वो लोग कैसे जीते होंगे, वो लोग कैसे रहते होंगे? कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा है, कभी विचार किया है? नहीं, करो इन चीज़ों के बारे में विचार, करो थोड़ा, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे, कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकोगे, कुछ बड़ी सोच रख सकोगे, कुछ बड़ा कर सकोगे। कुछ बड़ा करना है तो सोच बड़ी रखो। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने विचार बदल दो, अपने विचार, अपनी नज़रें, अपने गुण और अपनी संगत बदल दो, पूरे जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि यही चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में रुकावट है। आपको आगे बढ़ने से, आपको आगे बढ़ना है तो अपनी सोच विचार बड़ी रखो। आपके जितने विचार सोच बड़े होंगे, आप उतना ही सारी चीज़ें बड़ी कर सकोगे। और अपने विचार, आप हमेशा अपने विचार बड़े रखो। आप शांत और मौन रहना सीखो, क्योंकि शांति और मौन रहने से ही इंसान अच्छी तरीके से सोच पाता है और कुछ बड़ा करने की सोच पाता है और कुछ बड़ा कर पाता है। बड़ा करना है तो सोच बड़ी रखो। और सबसे जरूरी, आप शांत और मौन रहना सीखो। और दोस्तों, शांति और मौन रहने से इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से सोच पाता है, विचार कर पाता है, और जिसकी वजह से अच्छी तरीके से सोचेगा, अच्छी तरीके से सुनेगा, तभी तो कुछ बड़ा, कुछ अनोखा और कुछ तो दुनिया से अलग कर पाएगा। इसलिए अपनी सोच बड़ी रखो, अपने विचार बड़े रखो, तब कुछ बड़ा कर पाओगे। दुनिया से हटके दुनिया से बड़ा कुछ करना है तो दुनिया से सोच भी बड़ी रखो।
दुनिया से अलग सोच रखो हमेशा, कभी भी छोटी सोच मत रखो, क्योंकि छोटी सोच रखने वाले वो हमेशा छोटे ही रह जाते। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी कड़वी बातें भी थी और अच्छी बातें भी, पर आपके हाथों में, आप उनके ऊपर जो कड़ी हुई बातें उनके ऊपर ध्यान दोगे या जो अच्छी बातें उनके ऊपर। दोस्तों, सच है ये कड़वा है बहुत, पर हकीकत हकीकत तो वही है जनाब। दोस्तों, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी, पर इंसान के हाथों में कि उसे उसे कौन से लोगों में शामिल होना है, अच्छे या बुरे। और कभी भी किसी के ऊपर विश्वास ना रखे, कभी भी किसी के ऊपर अंधा विश्वास ना रखे। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो भी जाना सुना अपने जीवन में जरूर उतारे, और एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में आप जरूर बने। और जाने से पहले एक बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर 100% आप कर देना। और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद।